Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine at your home. तो आज हम maths की class में क्या करेंगे? Complete the series. कल हमने counting की थी 400 तक, 301 से 400 तक counting की थी. वो सबको आती भी है, फिर भी हमने एक बार की थी, है ना? तो आज हम क्या करेंगे? Complete the series करेंगे. ये भी हम आपने एक बार पहले भी किया हुआ है, बट आज हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे 181 से 240 तक. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. अब देखो, मैम ने यहाँ पे लिखा है 198. कंप्लीट द सीरीज में क्या होता है, मैम जो नंबर लिखती है उसके नेक्स्ट जो नंबर है वो आपको लिखना होता है. तो 198 के बाद क्या आता है वो वाला नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा. 198 के बाद क्या आएगा? 1 के 1 का तो 1 सीधा लिखेंगे हम यहाँ पे, 9 का 9. फिर 8 के बाद क्या आता है? 8 के बाद 9 आता है, तो 198 के बाद में 199 लिखेंगे. अब बेटा यहाँ तक तो सब कर लेते हैं ये तो, बट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं. अब देखते हैं, 199 तो हो गया है, बट उसके बाद क्या आएगा? जब 99 आपके पास होता है तो हम क्या लिखते हैं? उसके बाद में 100 आता है, 99 के बाद 100 आता है ना, तो 100 में 20 होती है, तो हम यहाँ पे 20 पहले ही लगा देंगे. ओके, तो अब 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद 2 आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2. ओके, तो 109, तो 200 आ जाता है, 198, 199, 200. अब 200 के बाद क्या आता है? 200 के बाद जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ये सोच लो हमारे पास कुछ है ही नहीं है, 200 नहीं है, तो काउंटिंग हम किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो 0 के बाद 1 आता है, यहाँ पे 0 है हमारे पास, 0 के बाद 1 ही आएगा, तो 200 के बाद में क्या आ जाएगा? 201, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 201. ओके, अब 201 के बाद में क्या आ जाएगा? 202. 1 के बाद 2 आता है, तो 200 आगे लगा देंगे हम, और 202. ओके, क्लियर है? जैसे 198, 199, 200, 201, 202. ओके, स्पीक विद मी अगेन, रिपीट. यस, 198, 199, 200, 201 and 202. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 200. ओके, तो 200 के बाद क्या आता है? अभी मैंने आपको बताया था 200 के बाद में 201 आता है, तो हम क्या लिखेंगे? 201. ओके, फिर 201 के बाद में 202, देन 203, एंड 3 के बाद में 4 आता है, तो 204. ओके, क्या आएगा यहाँ पे? 200 के बाद में 201, 202, 203, 204. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी डिजिट है? 187. 187 है अब हमारे पास, तो 87 के बाद में 88 आता है, 1 का 1 ही हो जाएगा 100 का, 8 का 8, और 7 के बाद हम क्या लिखते हैं? 8 लिखते हैं, तो 8 आ जाएगा, तो 188. नेक्स्ट 188 के बाद में 189. ओके, 189, और अब 9 के बाद में, 89 के बाद में क्या आता है? 90. ओके, तो 90 आता है, सबको पता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप क्या करेंगे? 9 के बाद में 10 आता है, तो 10 का हम क्या लगाएंगे? 0. ओके, 0 यहाँ लिखेंगे. फिर 8 के बाद क्या आता है? 9, तो हम 9, और 1 का 1, तो 189 190. अब 90 के बाद में क्या आएगा? अब 0 के बाद क्या आता है? 0 1 2 3 4, है ना? तो 0 के बाद हमें क्या बोला था अभी मैम ने? 0 के बाद 1 बोला था, तो 191. ओके, अब मेरे साथ एक बार रिपीट करोगे? 187,
188, 189, 190, 191. ओके, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 219. 19 है ये, 90 नहीं है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों आपको. तो 190 है, 19 है, तो 219 के बाद में क्या आ जाएगा, 220. ओके, फिर 19 के बाद में 0, 1 के बाद में 2. ये क्लियर है सबको, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. 220 के बाद में 221, फिर 222, देन 223. ओके, स्पीक विद मी अगेन. 219, 220, 221, 222 एंड 223. ओके, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 228. तो 228 के बाद में क्या आएगा, 28 के बाद हम क्या लिखते हैं, 29. तो 200 हमारे सामने है तो उसको भी हम सामने ही रखेंगे, 229. 228, 229. अब यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो 9 के बाद 0, 2 के बाद 3 और 2 का 2, तो 229 के बाद में 230. ओके, फिर 30 के बाद में 231 एंड 232. ओके, स्टार्ट विद मी. 228, 229, 230, 231 एंड 232. तो ये कंप्लीट द सीरीज हमारी 181 से लेके 240 तक कंप्लीट होती है. ओके, बट इसमें इसके साथ हम एक टॉपिक और करेंगे. 5 तक टेबल हमने किए हुए हैं, आज हम कौन सा टेबल करेंगे, 6 का टेबल करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ. यस, तो हम किसकी टेबल स्टार्ट करेंगे आज, 6 की टेबल और इसकी डॉजिंग, क्योंकि 5 तक टेबल और उसकी डॉजिंग हमने कर रखी है. तो आज हम 6 की टेबल स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट स्टार्ट विद मी. 6 क्रॉस 1 इज इक्वल 6. 6 ones are 6. Okay? Then 6 cross 2 is equal 12. Okay? 6 twos are 12. 6 twos are 12. Next, 6 cross 3 is equal 18. 6 threes are 18. 6 threes are 18. Okay. Next, 6 cross 4 is equal 24. 6 fours are 24. 6 fours are 24. 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24. Next, 6 cross 5 is equal 30. 6 fives are 30. 6 fives are 30. Okay? 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18, 6 fours are 24, 6 fives are 30. Next, 6 cross 6 is equal 36. Okay? 6 6 are 36. 6 6 are 36. Next, 6 cross 7 is equal
सिक्स सेवन सार 42, सिक्स सेवन सार 42, नेक्स्ट सिक्स क्रॉस 8 इज इक्वल 48, सिक्स एट सार 48, सिक्स एट सार 48, सिक्स क्रॉस 9 इज इक्वल 54, सिक्स नाइन सार 54, सिक्स नाइन सार 54, सिक्स क्रॉस 10 इज इक्वल 60, सिक्स टेन सार 60, सिक्स टेन सार 60. तो एक बार आप मेरे साथ रिपीट करेंगे सिक्स के टेबल, सिक्स वन सार सिक्स, सिक्स टू सार 12, सिक्स थ्री सार 18, सिक्स फोर सार 24, सिक्स फाइव सार 30, सिक्स सार 36, सिक्स सेवन सार 42, सिक्स एट सार 48, सिक्स नाइन सार 54, सिक्स टेन सार 60. ओके, एक बार और मेरे साथ स्पीक करेंगे, सिक्स वन सार सिक्स, सिक्स टू सार 12, सिक्स थ्री सार 18, सिक्स फोर सार 24, सिक्स फाइव सार 30, सिक्स सार 36, सिक्स सेवन सार 42, सिक्स एट सार 48, सिक्स नाइन सार 54, सिक्स टेन सार 60. ओके, अब हम क्या करेंगे, सिक्स की डोजिंग करेंगे. तो सिक्स की डोजिंग में क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं सिक्स की डोजिंग. तो सिक्स क्रॉस 5 इज इक्वल, अब हमें बताना है सिक्स फाइव आर कितने होते हैं. तो हमें इसके लिए सिक्स की टेबल लर्न करनी होगी. सिक्स की टेबल जब हम लर्न करेंगे तो हम बिल्कुल क्विकली आंसर कर सकते हैं, सिक्स फाइव आर 30. बट अभी हमें सिक्स की टेबल लर्न नहीं है, अभी तो आज हमने की है, तो लर्न कैसे होगी, टू टाइम्स करेंगे, थ्री टाइम्स करेंगे तभी लर्न होगी ना. तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे सिक्स फाइव, सिक्स फाइव आर, तो यहाँ पे सिक्स फाइव का है 1 2 3 4 5 है ना. तो सिक्स फाइव आर मैम ने कितना लिखा है यहाँ पे 30. तो आप भी यहाँ कितना लिखेंगे, सिक्स फाइव आर 30. बट आपको टेबल जब लर्न हो जाएगी तो आपका आप इसका क्विकली रिप्लाई कर सकते हैं. जैसे कोई भी आपसे पूछेगा सिक्स फाइव आर, तो आप जल्दी से बोल सकते हो, क्विकली फास्ट आंसर कर सकते हो, सिक्स फाइव आर 30 है ना. तो आपको पहले सिक्स की टेबल लर्न करनी होगी. ओके, सिक्स फाइव आर 30, नेक्स्ट सिक्स क्रॉस 1 इज इक्वल, सिक्स वन सार ये तो सबको पता है, सिक्स वन सार सिक्स, सिक्स वन सार सिक्स. ओके, नेक्स्ट है सिक्स क्रॉस 9 इज इक्वल, अब सिक्स नाइन सार कितना होता है, तो सिक्स नाइन सार मैम ने यहाँ पे कितना लिखा है 54. तो हम यहाँ पे कितने लिखेंगे, 54, सिक्स नाइन सार 54. नेक्स्ट सिक्स क्रॉस 2 इज इक्वल, सिक्स टू सार, सिक्स टू सार कितने होते हैं, देखो मैम ने क्या लिखा है यहाँ पे, सिक्स टू सार 12, तो सिक्स टू सार 12 लिखेंगे हम यहाँ पे. नेक्स्ट नेक्स्ट सिक्स क्रॉस 7 इज इक्वल, अब सिक्स सेवन सार, सिक्स सेवन सार 42, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 42, सिक्स सेवन सार 42. नेक्स्ट सिक्स क्रॉस 3 इज इक्वल, सिक्स थ्री सार 18, 18 होते हैं बट बच्चों को अभी पता नहीं है, तो सिक्स थ्री सार यहाँ में हमने कितना लिखा है 18, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, सिक्स थ्री सार 18. ओके, सिक्स थ्री सार 18. नेक्स्ट सिक्स क्रॉस 6 इज इक्वल, सिक्स सिक्स सार, सिक्स सिक्स सार 36, सिक्स सिक्स सार 36, यहाँ पे मैम ने 36 लिखा है ना, तो 36, सिक्स
क्रॉस टेन आर सिक्स टेन्स आर 60, ये तो सबको पता है 6 tens are 60. Next 6 cross 8 is equal 6 8s are 48. 6 8s are 48. तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 48. तो 6 cross 1 4 is equal, अब 6 4 साल कितना होता है 24, तो हम कितना लिखेंगे 6 4 साल 24. एक बार और मेरे साथ 6 की टेबल रिपीट करेंगे आप, 6 1 साल 6, 6 2 साल 12, 6 3 साल 18, 6 4 साल 24, 6 5 साल 30, 6 6 साल 36, 6 7 साल 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60. Okay? आपको क्या करनी है ये 6 की टेबल 2 times आपको write करनी है, learn करनी है और उसके बाद में अब इसकी dodging फिर आपको करनी है, फिर dodging को learn करना है. Okay? तो आपको ये अच्छे से learn करना है. Okay, bye. Take care.